ओके हेलो, एक तो रेस्पॉन्स करो तो, सुना जाच्छे तो? यस मैम। हाँ मैम बोलो। हाँ, ठीक अच्छे। अच्छा, सो टुडे वी विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल्स, ओके, विच वी हैव ऑलरेडी सीन इन आईईएस डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स, ओके, सो दैट इट मे बी हेल्पफुल इन योर सेमिस्टर आल्सो, बेसिकली इन योर 2 मार्क्स क्वेश्चन दैट यू हैव बीन आस्किंग, ओके। So today we will actually solve some numericals, like analytical numericals, which may come in your 2 marks MCQs question. Along with that, we will try to solve some previous year questions also. Okay. So see this term. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर के लिए देखो, यहाँ पे क्वेश्चंस कैसा है थ्योरेटिकल के लिए, यू हैव टू स्टडी द बेसिक्स, यू हैव टू नो द बेसिक्स, ठीक है। और एनालिटिकल के लिए तुमको फॉर्मूलास थोड़ा याद रखना है, ठीक है। तो ये देखो, फर्स्ट क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द बेसिक एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, ऐसा दे दिया तुम लोग को। वहां पे पहले क्या था, 5 मार्क्स का राइट डाउन द एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया कि इसमें से कौन सा सही तुम्हारा एजम्पशन है, सो फॉर दैट यू हैव टू रीड ऑल द एजम्पशंस। अब उसमें से देख कर चेक करना है कि कौन सा यहाँ पे लिखा गया है। और ये वाला प्रॉब्लम या ये वाला क्वेश्चन बार बार तुम लोग का नॉट ओनली इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम्स, एमसीक्यूज में जो है सेमिस्टर, उसमें भी आता रहता है। ओके, सो देखो इसके लिए कौन सा होगा, एनीवन, व्हिच वन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इज इट विजिबल, क्वेश्चन विजिबल है? तो सी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट द बेसिक एजम्पशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, सो लेट अस गो टू द एजम्पशंस। ओके, डेफिनेशन से भी आता है कभी कभी। अब यूनिट हाइड्रोग्राफ से रिलेटेड क्या है, एक तो है 1 सेंटीमीटर का ग्राफ हम लोग कर रहे हैं, ओके, एंड दिस इज वन, दिस इज द डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, ओके, नॉट द फ्लड हाइड्रोग्राफ। फ्लड हाइड्रोग्राफ में बेस फ्लो रहता है, लेकिन डायरेक्ट में बेस फ्लो को माइनस कर देते हैं, ओके, ये एक आता है। और ये क्या है, योर रेनफॉल शुड बी यूनिफॉर्मली ओवर द कैचमेंट एरिया, यह होना चाहिए, ठीक है। तो एजम्पशंस में देखो, फर्स्ट में हम लोगों ने ब्रॉड क्लासिफिकेशन बोल ही दिया था एजम्पशन में कि क्या है, इट इज टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रेस्पॉन्स, ओके, मतलब कि जितना ज्यादा बारिश होगा उतना ज्यादा रेनफॉल होगा, यही है डायरेक्ट रन ऑफ और इफेक्टिव रेनफॉल का लीनियर रिलेशनशिप, ठीक है। बारिश कम है, रन ऑफ भी कम है, बारिश ट्वाइस आया, रन ऑफ भी ट्वाइस आएगा, ठीक है। बेसिकली रन ऑफ क्या है, रन ऑफ इज द डिस्चार्ज, रन ऑफ जो है सरफेस रन ऑफ, पानी फ्लो होके स्ट्रीम में जा रहा है, उससे क्या हो रहा है, फ्लो बढ़ रहा है, तो सो रन ऑफ का यूनिट विल बी इन वॉल्यूम और इन वॉल्यूम पर मीटर, मतलब मीटर क्यूब पर सेकेंड, डिस्चार्ज में भी हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं, ओके। सो लीनियर रेस्पॉन्स एक एजम्पशन है और टाइम इनवेरियंस, ओके, ये दोनों तुम्हारा एजम्पशन है फॉर यूनिट हाइड्रोग्राफ। अब इस हिसाब से तुम्हारा बोलो कौन सा सही आंसर होगा। वेट, ओके, देखो आई कांट से कि एग्जैक्टली ऐसा ही प्रॉब्लम आएगा, शायद इससे और इजी आ सकता है, लेकिन तुमको रेडी रहना है कि यू हैव टू क्लियर ऑल योर फंडा एंड बेसिक्स। कॉन्सेप्ट क्लियर रखोगे तो कुछ भी आए तुम इजीली सॉल्व करोगे। सेमिस्टर का पेपर ऑब्वियसली मतलब उतना टफ शायद नहीं होगा, लेकिन हम बोल भी नहीं सकते कि हो भी सकता है टफ, राइट। तो तुम प्रिपेयर करो कि टफ के लिए प्रिपेयर करो, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ के लिए प्रिपरेशन हो जाएगा। तो बोलो इस हिसाब से विच वन विल बी द करेक्ट आंसर, विच वन जी एजम्पशन okay. इज द टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रेस्पॉन्स। सी कहाँ से, इज द टाइम इनवेरियंस एंड लीनियर रेस्पॉन्स, राइट। तो ऑप्शन डी, ओके, ऐसा घूम फिर के दे सकता है, सो यू हैव टू चूज द करेक्ट आंसर विच इज द डी ऑप्शन, ओके, दिस इज द यूनिट हाइड्रोग्राफ का एजम्पशन, बेसिक एजम्पशन जो है। दूसरा क्या है,
बहुत सारा एस्टिमेट, रेनफॉल एस्टिमेट करने का बहुत सारा मेजर्स मेजरमेंट है, जैसे अर्थमेटिक मीन, थीजन पॉलीगन, आइसोहाइटल मेथड, राइट, नॉर्मल रेशियो मेथड. नॉर्मल रेशियो मेथड से न्यूमेरिकल्स आते हैं बार बार. नॉर्मल रेशियो मेथड हम दिखाएंगे अभी, ठीक है. सो एन एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द एवरेज रेनफॉल इन अ पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया कैन बी ऑब्टेन बाय विच ऑफ दिस. सबसे हमारा एवरेज रेनफॉल निकलता है, लेकिन मतलब मीन प्रेसिपिटेशन निकलता है, लेकिन विच इज द एकदम अप्रोप्रिएट कौन सा होगा बोलो तो? अर्थमेटिक मीन होगा, आइसोहाइटल होगा, थीजन होगा ना नॉर्मल रेशियो. यस, आइसोहाइटल इज द मतलब क्या बोलते हैं, एक्यूरेट. बाकी में से ये वाला ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है हम लोग को. ओके, आइसोहाइटल मेथड यहाँ से प्रॉब्लम्स भी दे सकता है. आइसोहाइटल का प्रॉब्लम्स भी आता है. ओके, तो इसके लिए भी बोल सकते, इसके लिए क्या हो सकता है, परसेंटेज स्टैंडर्ड एरर ऑफ प्रेसिपिटेशन एवरेजेस इज ऑफन एक्सप्रेस्ड फंक्शनली और ग्राफिकली. मतलब एरर, स्टैंडर्ड एरर क्या होता है, बढ़ता है ना घटता है विद रेस्पेक्ट टू एरिया पर गज और विद रेस्पेक्ट टू टोटल एरिया. इट विल इंक्रीज, एरर इंक्रीज होगा. मतलब एक गज के लिए हम लोगों ने एक जगह पर एरिया A1 लिया, एक जगह पर एरिया A2 लिया, ठीक है. सपोज A1 इज ग्रेटर देन A2, तो कहाँ पे तुम्हारा एरर ज्यादा आएगा? ज्यादा एरिया के लिए हम एक रेनफॉल दे रहे हैं या कम एरिया के लिए हम एक रेनफॉल क्या कहते हैं, रेन गॉज स्टेशन डाल रहे हैं, तो कहाँ पे एरर ज्यादा आने का प्रॉब्लम है, चांसेस है? क्लियर है क्वेश्चन? मतलब कि सपोज सपोज एक एरिया ये है, ठीक है, और एक ये वाला एरिया है. यहाँ पे हम एक गॉज दिए, यहाँ पे भी हम एक गॉज दिए, किसमें एरर ज्यादा आएगा, इसमें ना इसमें, फर्स्ट में ना सेकंड में? सेकंड वन. सेकंड वन में, क्योंकि ये इसको ज्यादा एरिया के लिए हम एक ही इंस्ट्रूमेंट डाले हैं, सो ऑब्वियसली योर एरर विल बी मोर, ठीक है. सो इट विल इंक्रीज विथ एरिया पर गॉजेस, इससे तो इंक्रीज होगा. लेकिन अब क्या बोला है, विद टोटल एरिया क्या हो जाएगा, वो एरर इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा? मैं मैंने बोलूं, ये तो एरिया जो डेंसिटी है उस हिसाब से तो ये बढ़ रहा है एरर, ठीक है. लेकिन अब हम टोटल एरिया कवर कर रहे हैं कि कितना एरिया को कवर करके हम अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है. तो जितना ज्यादा एरिया लेकर हम डाटा कलेक्ट करेंगे, अब वहां पे उतना ज्यादा तुम्हारा रेनफॉल स्टेशन भी बिठेगा, ठीक है. या छोटा रेनफॉल एरिया कैचमेंट एरिया कंसिडर करके हम डाटा कलेक्ट करेंगे, इसमें तुम्हारा ज्यादा एरर आने का चांसेस रहेगा. हम लोग का स्टडी एरिया बढ़ा देंगे तो एरर आने का चांसेस होगा ना, कि स्टडी एरिया को छोटा रख के हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो बारिश हो रहा बाकी जगह पे वही बारिश होगा. ऑब्वियसली इफ वी एक्सटेंड आवर एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, टोटल एरिया की बात करें, इफ वी एक्सटेंड आवर टोटल एरिया ऑफ स्टडी, ठीक है, सो इन दैट केस हम लोग का जो भी डाटा है इट विल बी मोर एक्यूरेट, ठीक है. सो आवर स्टैंडर्ड एरर विल reduce with the total area, increase in the total area, लेकिन एक गॉज के लिए जब एरिया बढ़ा देंगे तब हम लोग का एरर घट जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा. सो आवर आंसर विल बी दिस वन. ओके, इंक्रीजेस विद एरिया पर गॉज बट इंक्रीजेस विद द टोटल एरिया. ओके, अब ये वाला देखो, इसमें क्या होगा, इन दिस केस विच विल बी द करेक्ट ऑप्शन. इफ पी इज द प्रेसिपिटेशन, A is the area represented by a rain gauge, मतलब एक rain gauge के लिए एक area ये है, and N is the number of rain gauge stations in a catchment area, then the weighted mean rainfall. Generally कौन सा formula हम use करके करते हुए आ रहे हैं? मैंने कहा C हो गया मैम. Yes, देखना हर problem में यही formula use कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग मतलब कुछ constant अलग अलग दे रहे हैं हम लोग. Okay, so your correct answer is this one. ठीक है, सो P1 into A1 by total area, मतलब P1 into A1 plus P2 into A2 by total area. ओके, अब आते हैं हम लोग का ये वाला देखो, हाइड्रोग्राफ से हम बोले थे. सो देखो, व्हाट इज द स्टेप्स, स्टेप क्या क्या है,
फॉलोइंग फोर हाइड्रोलॉजिकल फीचर्स, ये सब दिया है, हैव टू बी एस्टिमेटेड. हमको क्या एस्टिमेट करना है? वी हैव टू कंप्यूट फ्लड हाइड्रोग्राफ. हमको फ्लड हाइड्रोग्राफ कंस्ट्रक्ट करना है. सो फॉर कंस्ट्रक्टिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ व्हाट आर द फॉलोइंग स्टेप्स, मतलब पहले क्या हमको निकालना है? यूनिट हाइड्रोग्राफ पहले कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके बाद रेनफॉल हाइड्रोग्राफ निकालना है, फिर उसके बाद इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स निकालना है, फिर जाके हम बेस फ्लो ऐड कर देंगे, तब जाके तुम्हारा फ्लड हाइड्रोग्राफ होगा. सो विच इज द करेक्ट स्टेप, इनमें से फर्स्ट कौन सा आएगा, फिर उसके बाद सेकेंड कौन सा, थर्ड कौन सा, देन फाइनली कौन सा, आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप वी विल गेट आवर फ्लड हाइड्रोग्राफ. बोलो पहले हमको क्या चाहिए? तुम नहीं तो बैक स्टेप भी कर सकते हो, गो फॉर द बैक स्टेप. मतलब पहले फ्लड हाइड्रोग्राफ हो गया, ठीक है, फ्लड हाइड्रोग्राफ से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, बेस फ्लो माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा? फ्लड हाइड्रोग्राफ है, ठीक है, सपोज ऐसा करके है, तो ये हमको कंस्ट्रक्ट करना है. मतलब यहाँ पे क्या और एक आएगा, यहाँ पे बेस फ्लो भी हमको ऐड करना है, ठीक है. दिस इज योर एफ एच, ठीक है. अब इसको बैक कैलकुलेशन करते करते भी जा सकते हो, ठीक है. तो अगर हम फ्लड हाइड्रोग्राफ से बी को माइनस कर देंगे, सो दैट हाइड्रोग्राफ इज व्हाट, बी को माइनस करके ये वाला आया, ये हाइड्रोग्राफ को क्या बोलेंगे हम? बी माइनस करके ये जो हाइड्रोग्राफ आया, मतलब सिर्फ ये पोर्शन, ये वाला हाइड्रोग्राफ क्या डिनोट करता है, कौन सा हाइड्रोग्राफ है? DRH है ना, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, DRH, ठीक है. अब DRH तुम्हारा क्या है? DRH से हमको क्या चाहिए? यूनिट हाइड्रोग्राफ चाहिए, राइट. DRH से यूनिट हाइड्रोग्राफ निकालने के लिए क्या करेंगे हम? वी विल डिवाइड दिस ऑर्डिनेट विद द रन ऑफ, इफेक्टिव रेनफॉल, ठीक है. तो अब इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे किससे? इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ से या एक्सेस रेनफॉल डेप्थ से. तो जो भी आएगा उसका ऑर्डिनेट थोड़ा छोटा होगा, कम होगा. सो दिस विल बी योर यूनिट हाइड्रोग्राफ, ओके. अब ये वाला देखकर तुम बोलो, ये यहाँ से यूनिट हाइड्रोग्राफ से फ्लड हाइड्रोग्राफ कैसे निकलेगा, स्टेप बाय स्टेप बोलो. तो यूनिट, तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए था? पहले हमको चाहिए रेनफॉल हाइड्रोग्राफ, ओके. कोई भी एक डाटा का रेनफॉल हाइड्रोग्राफ आएगा, फिर इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स से व्हाट वी विल डू, वी विल कैलकुलेट रेनफॉल हाइड्रोग्राफ से हमको क्या निकलेगा, तुम्हारा इफेक्टिव रेनफॉल निकलेगा, ठीक है. मतलब कितना रन ऑफ है वो निकलेगा. सो यहाँ से रन ऑफ निकलेगा, लॉस हमको पता है. सो रन ऑफ और लॉस यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रेनफॉल पी निकाल सकते हैं. प्रेसिपिटेशन, फिर प्रेसिपिटेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट हाइड्रोग्राफ से, देन वी विल गेट DRH, फिर DRH के साथ हम ऐड कर देंगे बेस फ्लो, देन वी आर गेटिंग फ्लड हाइड्रोग्राफ, ओके. सो अब बोलो इस हिसाब से तुम्हारा कौन सा स्टेप करेक्ट होगा, 1 2 3 4, 2 1 4 3, 2 3 1 4, या 4 1 3 2. पहले हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए यूनिट हाइड्रोग्राफ से DRH करना है. तो यूनिट हाइड्रोग्राफ से DRH के लिए क्या चाहिए? इफेक्टिव रेनफॉल चाहिए, राइट. सो इफेक्टिव रेनफॉल या पी के लिए हमको क्या चाहिए? क्या चाहिए हमको मैम? ऑप्शन किस सी है बे? यस, ऑप्शन विल बी सी, ठीक है. तो ये जो इफेक्टिव रेनफॉल के लिए, पहले रन ऑफ हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ हाइड्रोग्राफ से वॉल्यूम का जो भी होगा रन ऑफ निकलेगा, ठीक है. रन ऑफ से फिर हम लोग इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स को ऐड करके इफेक्टिव रेनफॉल आ जाएगा. इफेक्टिव रेनफॉल को हम यूनिट हाइड्रोग्राफ से इनटू करके DRH आ जाएगा. DRH से फिर हम प्लस बेस करके फ्लड हाइड्रोग्राफ आएगा. तो फर्स्ट वी नीड रन ऑफ, रन ऑफ के लिए रेनफॉल हाइड्रोग्राफ चाहिए, फिर इन्फिल्ट्रेशन इंडेक्स मतलब लॉस चाहिए, फिर उससे इफेक्टिव रेनफॉल आएगा, फिर वी विल मल्टीप्लाई इट विद यूनिट हाइड्रोग्राफ, देन वी विल ऐड बेस फ्लो, वी विल गेट फ्लड हाइड्रोग्राफ. So C, okay, clear? Yes ma'am. तो देखो इसमें क्या चल रहा है. देखो इसके लिए तुमको क्या चाहिए? You need to know the funda, basic. अब basic के लिए तुमको हम MCQ दे देंगे, तुम ये क्या मुखस्त करोगे? ये 2 3 1 4 1 2 3 3, इसका आंसर क्या है? ये तो चेंज भी हो सकता है, राइट. सो इन दैट केस यू हैव टू नो द बेसिक. तो इसके लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जो जो नोट्स दिए हैं वो थोड़ा गो थ्रू करना ही पड़ेगा.
अगर इतना टफ अगर आएगा तो ठीक है, अगर ये सब प्रिपरेशन हो जाएगा तो अल्टीमेटली तुम्हारा का सेमेस्टर एग्जाम कुछ भी नहीं है, एमसीक्यू आए या ब्रॉड क्वेश्चन आए। ओके इसका भी बोल सकते हो तुम लोग, यील्ड का फॉर्मूला याद रखना, यील्ड इज नथिंग बट द डिस्चार्ज, डिस्चार्ज इज इक्वल्स टू, ये वाला तुम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, के आई ए। ओके आई मतलब है तुम्हारा वो जो वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है। ओके तो दिस इज अगेन रिलेटेड टू योर वेलोसिटी, ऑल ऑफ देम, यस ऑल। सो परमेबिलिटी के है, एरिया ये ए है, एरिया ऑफ ओपनिंग कैनल, और एक्चुअल फ्लो भी ये इसमें आ जाएगा आई में, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव, वेरी गुड। हाँ अब यहाँ पे बोलो, इसमें भी बोलो, अभी थोड़ा देर क्वेश्चन नंबर टू जो सॉल्व किए थे सेम वैसा ही है। ये क्या होगा, मीन प्रेसिपिटेशन ओवर एन एरिया इज बेस्ट ऑब्टेंड, बेस्ट मतलब सोच लेना आइसोहाइड्रल है, तुम्हारे ऑप्शन में दो है ठीक है। अब देखो लिनियरली इंटरपोलेटेड है और एक है ऑरोग्राफिकली, तो योर ऑप्शन विल बी डी। ऑरोग्राफिकली मतलब तुम क्या बोलते, पूरा टॉपोग्राफी वो सब कैलकुलेट करके तुम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया है प्रैक्टिकली, ठीक है। सो दिस डी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके ओके सेम देखो, ये फॉलोइंग स्टेप्स आर अराइजिंग इन यूनिट हाइड्रोग्राफ, तो यूनिट हाइड्रोग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना सब तुमको याद रखना है। ओके ये वही है देखो, वहां पे जो बोला था यही यहाँ पे दिया है, सेम मतलब अब फ्लड हाइड्रोग्राफ से यूनिट हाइड्रोग्राफ में जाना है तो क्या होगा। पहले सेपरेशन ऑफ द बेस फ्लो, जो भी फ्लड हाइड्रोग्राफ है उससे बेस फ्लो माइनस कर दोगे, ठीक है। इससे तुम्हारा दो ऑप्शन आ जाएगा, ए और सी, ये दोनों देखो ही मत। अब ए और सी में से कौन सा होगा वो चेक करना। ओके सो फर्स्ट इज योर सेपरेशन ऑफ बेस फ्लो, ठीक है। फिर जो भी आएगा दैट विल बी योर डी आर एच, ठीक है। अब डी आर एच के लिए हमको क्या चाहिए, डिवाइड बाई दी रन ऑफ, ऐसा क्या बोलते हैं, डिवाइड बाई द इफेक्टिव रेनफॉल, राइट। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, पहले उसके लिए हमको सरफेस वॉल्यूम चाहिए, हाँ सरफेस वॉल्यूम चाहिए, फिर वॉल्यूम से हमको डेप्थ चाहिए, फिर उस डेप्थ को हम लोग डिवाइड कर देंगे तुम्हारा डीआरएच से। तो व्हाट विल बी द स्टेप देयर, अब स्टेप कौन सा होगा सही स्टेप इसमें से, ए ए देखो थ्री हो गया, ठीक है। फिर ए थ्री टू एस्टिमेशन ऑफ वॉल्यूम, फिर वॉल्यूम से एरिया डिवाइड, कैचमेंट एरिया करेंगे द डेप्थ आएगा, डेप्थ को हम फिर डिवाइड कर देंगे जो भी ऑर्डिनेट्स है डीआरएच का उससे। सो थ्री वन सॉरी थ्री टू वन फोर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके अब ये वाला भी बार बार आता है, ठीक है। ये शायद ऐसा नहीं आएगा लेकिन स्पेसिफिक यील्ड का फॉर्मूला क्या है, या बोलेगा कि एक डेफिनेशन दे दिया, बोलेगा इसमें से कौन सा स्पेसिफिक यील्ड है, कौन सा स्पेसिफिक कैपेसिटी है, ये वाला। तो अगर तीनों का तुम लोग डेफिनेशन याद रखोगे ये, देन यू कैन इजीली इससे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू तुम लोग कर पाओगे। ओके तो अब देखो इसमें से मैच करना है, लिस्ट वन से लिस्ट टू को मैच करना है। ओके तो स्पेसिफिक यील्ड दिया है, कैपेसिटी दिया है, रिटेंशन दिया है, स्टोरेज दिया है। सबसे पहले यील्ड और रिटेंशन को याद रखो, क्या है यील्ड और रिटेंशन का है तुम्हारा कि एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सॉइल है, ठीक है। इट इज फुल्ली सैचुरेटेड विद वाटर, फुल्ली इसके अंदर में जितना भी पोर है सब सैचुरेटेड है, ठीक है। तो जितना भी वॉल्यूम ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट अंडर द ग्रेविटी एक्शन, दैट इज द स्पेसिफिक यील्ड, ठीक है। आफ्टर ड्रेनिंग क्या हुआ, कुछ कुछ पोर्स खाली रह रहा है, राइट। मतलब फिर कुछ कुछ पोर्स इट इज फिल्ड विद द मॉइस्चर, मतलब इसमें से अगर पूरा का पूरा ड्रेन आउट नहीं होगा, which some of the portion will be retained against the action of gravity, that is called the specific retention. ये दोनों का formula थोड़ा याद रखना है, okay? और capacity का तो हम बोले थे drawdown per क्या बोलते हैं per unit drawdown, okay? ये जो है तुम्हारा क्या है, ये जो yield per unit drawdown Q by S जो है yield per unit drawdown is the answer for the specific capacity, okay? अब देखकर बोलो कौन सा answer होगा, दे दिया स्पेसिफिक यील्ड का फॉर्मूला या डेफिनेशन है कौन सा, आई थिंक टू, वॉल्यूम ऑफ द वाटर ड्रेन बाय द ग्रेविटी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफर। ओके
जो ए टू मैम सी वन ए टू हाँ, स्पेसिफिक कैपेसिटी बी क्या है तुम्हारा 4 ठीक है यील्ड पर यूनिट ड्रॉडाउन ये देख ही लेना ये यील्ड पर यूनिट ड्रॉडाउन यही फॉर्मूला है ठीक है अब यहाँ से तुम्हारा बाकी का मैच कर सकते हो सो ए टू सी वन देखो दो फॉर्मूला है ए में सी में सो ए टू सी वन दो में है लेकिन हम लोग का क्या बोलते हैं बी है तुम्हारा 4 सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ओके सो डी का तुम्हारा कौन सा है ये वाला है मतलब स्पेसिफिक स्टोरेज का डेफिनेशन इज दिस वन वॉल्यूम ऑफ वाटर रिलीज फ्रॉम यूनिट वॉल्यूम ऑफ एक्वीफर फॉर यूनिट डिक्लाइन ऑफ रिजर्वेटर मतलब जो भी इतना बड़ा है ओके तो कभी कभी ये भी देख लेना कि सेपरेट कर देना कौन सा करेक्ट हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली ओके ये हो गया इसका कुछ नहीं इसका दिस के डी ट्रांसमिसिबिलिटी का फॉर्मूला है के इंटू थिकनेस ठीक है कहीं कहीं बार सिर्फ एक ही दे देगा तो के इंटू थिकनेस करके ट्रांसमिसिबिलिटी आ जाएगा एंड इसका यूनिट भी याद रखना है मीटर स्क्वायर पर डे ओके ये याद रखना है तो इसका ऑन एवरेज मतलब इसका टोटल ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होगा 30 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 60 ठीक है करके कैलकुलेट कर लेना है अच्छा এই যে ফ্লাড হাইড্রোগ্রাফের একটু চেষ্টা করছিলাম তোমাদের যাতে হ্যাঁ ये वाला देखो दिस इज द मिसिंग रेनफॉल डाटा ठीक है ये जो है मिसिंग रेनफॉल डाटा है दिस इज द एन वन नॉर्मल जो है नॉर्मल एनुअल रेनफॉल एन वन एन टू एन थ्री ठीक है एंड दिस इज पी वन पी टू पी थ्री ठीक है तो इसके लिए हमको करना क्या है फॉर दैट वी हैव टू चेक क्या चेक करना है कि तुम्हारा मिसिंग रेनफॉल डाटा का एन का वैल्यू इन दोनों से डिफरेंस कितना है इट शुड नॉट बी अगर इट इज लेस देन 10% वी विल सिंपली डू द एवरेज ओके अगर ये नहीं है तो क्या करेंगे पी विल बी व्हाट एवरेज ऑफ दिस एंड दिस मतलब 140 प्लस 270 बाय 2 हो जाएगा इफ द वेरिएशन इज लेस देन 10% एंड इफ इट इज मोर देन 10% देन हमको नॉर्मल रेशियो मेथड यूज करना है अब बोलो ये क्या 10% से ज्यादा है और या विद इन द 10% तो इट इज ग्रेटर मैम हाँ ऑब्वियसली देखो ये क्या होगा 250 माइनस 200 करके देखो कितना रहा ये 250 से 10% ज्यादा है कि नहीं रेंज में तो 10% से ज्यादा है सो इन दैट केस फॉर्मूला क्या है तुम्हारा पी एवरेज का फॉर्मूला ये थोड़ा याद रखना है ओके फॉर्मूला का फॉर्मूला है तुम्हारा एन मतलब जिसका हमको चाहिए सपोज एन एक्स यहाँ पे एन एक्स है ओके एन एक्स बाय कितना अपार्ट फ्रॉम द मिसिंग रेनफॉल स्टेशन हाउ मेनी रेनफॉल स्टेशन आर देयर अपार्ट फ्रॉम मिसिंग रेनफॉल स्टेशन मतलब उसको छोड़कर कितना रेनफॉल स्टेशन है और रेन गॉज कितना है और ए बी सो हियर इट विल बी 2 ओके सो दिस डिवाइडेड बाय पी ए बाय एन ए ठीक है प्लस पी बी बाय एन बी दिस इज द फॉर्मूला ओके तो ये वाला थोड़ा प्रैक्टिस करना है और ये ए है सो दिस इज द फॉर्मूला ठीक है सो पी मतलब ये जो पी है या पी दिस वैल्यू मिसिंग रेनफॉल डाटा दिस नॉट पी बार एक्चुअली पी सो पी इज इक्वल्स टू एन एक्स मतलब इसका करस्पॉन्डिंग जो भी है एन का वैल्यू डिवाइडेड बाई जितना नंबर ऑफ रेनगॉज स्टेशन है अपार्ट फ्रॉम द मिसिंग रेनगॉज स्टेशन ठीक है तो उसका पी ए बाई एन ए प्लस पी बी बाई एन बी ठीक है करके देख लेना वो आंसर विल बी योर पी वैल्यू तो इसमें से जो होगा वो होगा कौन सा आएगा एनीवन कैलकुलेट करके कौन सा आ रहा है कौन सा आस्टे করছি ম্যাম ও আচ্ছা এই সব করার জন্য একটু তাড়াতাড়ি হাত করতে হবে ঠিক আছে তাড়াতাড়ি এ করতে হবে 250 ডিভাইডেড বাই 2 ইনটু দুশো সো ডি হ্যাঁ ডি হ্যাঁ ইয়াহ পে করেক্ট আনসার ওকে ভেরি গুড আব আতে হ্যায় এসে টাইপ কা মতলব গ্রাফ কা হাম হাইড্রোগ্রাফ কা দেখতে হবে বহুত সারা ठीक
जैसे देखो ये सब भी थोड़ा देख लेना है, कौन सा इक्वेशन कौन सा साइंटिफिक्स के रिलेटेड कौन सा टर्मिनोलॉजी सही रहेगा. ओके तो ये सब है. আমি অ্যাকচুয়ালি ওই যে ফাইন্ড এক্সরও দেখতে চাইছিলাম. বেস পিরিয়ড ইতনা হ্যাঁ 12 লিনিয়ার আর হলো ডেটা ফ্রম দিস সেকশন আর হলো না ফর দ্য বেস পিরিয়ড. হ্যাঁ ইসকা বলো তো ইয়ে কনসেপচুয়াল বলো. ইসকে লিয়ে হাইড্রোগ্রাফ পুরা ড্রয়িং করকে দেখেঙ্গে হম. ওকে দেখো क्या बोला है, इफ द बेस पीरियड ऑफ अ सिक्स आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ. ठीक है ऐसा है, सिक्स आवर हाइड्रोग्राफ ऑफ अ बेसिन इज 84 आवर. ठीक है मतलब ये जो बेस है इट इज 84 आवर्स. ठीक है वी नो हाइड्रोग्राफ इज व्हाट टाइम, यहाँ पे होगा यहाँ पे क्यू होगा, इट इज डिस्चार्ज वर्सेस टाइम हाइड्रोग्राफ. ओके तो बोला है कि if the base period of 6 hour hydrograph is 84 hours then a 12 hour unit hydrograph derived from this 6 hour unit hydrograph theek hai will have the base period of kitna hoga to yahan pe kya aa jayega yahan pe tumhara aa jayega summation wala matlab superposition wala formula aayega method aayega theek hai matlab 6 se hum log 12 mein ja rahe 6 hour se hum log 12 hour ka nikal rahe matlab it is your n value is 2 two times right m ka value hai 2 which is integer and greater than 1 so ye wala agar 6 hour ek hai theek hai to what we will do we will lag it by another 6 hour 12 hour ka chahiye to humko to yahan se jo bhi hoga 6 hour se fir hum same data ko idhar kar denge theek hai ye hai 6 hour ye hai 6 hour iska summation karenge so that will give you the 12 hour right 12 आवर तो ये है 6 आवर ये भी 6 आवर का हाइड्रोग्राफ है ये भी 6 आवर एंड ये जो लैग हुआ है कितना लैग हुआ है इट इज लैग्ड बाय अगेन 6 आवर्स राइट अगर और 18 आवर का करते तो और लैग्ड बाय अगेन 6 आवर्स कर देंगे इसी ग्राफ को उठा के लैग्ड बाय नेक्स्ट 12 आवर कर देंगे ठीक है तो करके आप देखो इसका बेस पीरियड कितना ये 2 आवर का 12 आवर का हाइड्रोग्राफ का बेस कितना है बेस पीरियड कितना होगा अब ये यहाँ से लैग होगा या 6 आवर तो ऑब्वियसली ये वाला एंड होगा कितना आफ्टर 6 आवर फ्रॉम दिस ग्राफ ठीक है तो ये ऑलरेडी यहाँ तक है तुम्हारा 84 एंड दिस डिस्टेंस इज योर 6 सो 84 प्लस 6 विल गिव यू 90 ओके देखो ऐसा फंडा है ऐसा मतलब क्या बोलते हैं बेसिक्स आ रहा है मतलब तुमको ये सब जानना है यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं दिया तुमको लेकिन प्रॉब्लम टाइप का एक दे दिया ठीक है ओके দাঁড়াও একটা অঙ্ক দেখতে পাচ্ছি না আমি কোথাও ये वाला बोलो तो लाइसीमीटर से हम क्या कैलकुलेट करते हैं लाइसीमीटर कहाँ पे सुना होगा लाइसीमीटर इवापो ट्रांसपिरेशन जो है उसको मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं दैट इज लाइसीमीटर तो बी के साथ 1 मैच कर रहा है ओके फाई इंडेक्स क्या होता है फाई इंडेक्स कहाँ पे होता है जनरली ये लॉसेस को डिफाइन करता है राइट तो अगर टोटल प्रेसिपिटेशन हेलो मैम कैन यू प्लीज कैलकुलेट देखो फाइंड
কতক্ষণ ছিল নেটা দু তিন মিনিট আচ্ছা ये वाला आज प्लीज ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एवरीवन स्क्रीन देखता अच्छा ना था ओ सॉरी 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 ये 39 ओके फाइव इंडेक्स कैलकुलेट करना है ओके बोला क्या है सिक्स आवर रेन स्टॉर्म ठीक है विथ आवरली इंटेंसिटी अब इंटेंसिटी वर्सेस टाइम हम लोग पहले प्लॉट करेंगे ओके सो दैट इंटेंसिटी वर्सेस टाइम ऐसा दिखने में होता है ओके लाइक दिस इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे टाइम है यहाँ पे इंटेंसिटी है राइट मतलब पर आवर पर सेकेंड जो भी है मीटर पर सेकेंड ऐसा कुछ भी है ठीक है सो ये वाला ग्राफ को हम लोग बोलते हैं हाइटोग्राफ ठीक है और डिस्चार्ज वर्सेस टाइम को हम लोग बोलते हैं दैट इज योर हाइड्रोग्राफ ओके ये दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है कि हाइड्रोग्राफ किसको बोलते हैं और हाइड्रोग्राफ बोलते हैं ओके ये हो गया तो फॉर दिस केस वी हैव टू ड्रॉ इंटेंसिटी और ड्राइंग करने का जरूरत भी नहीं है ठीक है तो इससे एक फाइ इंडेक्स का हम आते हैं कि फाइ इंडेक्स किसको बोलते हैं सपोज एक इंटेंसिटी होता है जिससे लॉसेस हो रहा है मतलब बारिश का पानी ऐसा आ रहा है दिस आर द इंटेंसिटी एट विच रेनफॉल इज ऑकरिंग ये है ये है ये है ये है ओके और ये वाला इंटेंसिटी क्या है ये वाला इस इंटेंसिटी से आइदर इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है या रेट मतलब इवेपोरेशन हो रहा है जो भी हो रहा है यहाँ पे बेसिकली इट इज इन्फिल्ट्रेशन लॉस ओके तो इस इंटेंसिटी से ये कॉन्स्टेंट इंटेंसिटी से तुम्हारा इन्फिल्ट्रेशन लॉस हो रहा है तो जो भी ये फाइ इंडेक्स के ऊपर में जो भी इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल आ रहा है एक्सेस में आ रहा है मतलब इट विल कंट्रीब्यूट टू द रन ऑफ ये तीनों मिलाकर रन ऑफ में बढ़ेगा मतलब देखो यहाँ पे इतना बारिश का पानी आ रहा था उसमें से इतना लॉस हो रहा है इतना जो भी है ये लॉस हो जाएगा ड्यू टू इन्फिल्ट्रेशन तो बचा जो है इट विल कंट्रीब्यूट टू द रन ऑफ सेम यहाँ पे भी देखो इतना बारिश हो रहा था इसमें से इतना नीचे चला गया जमीन के अंदर इन्फिल्ट्रेट हुआ तो इतना तुम्हारा सरफेस के ऊपर रन ऑफ हो जा रहा है ठीक है अब इन दिस केस देखो यहाँ पे तुम्हारा इंटेंसिटी कम है लेकिन लॉसेस बहुत ज्यादा है सो इन दैट केस पूरा का पूरा है जितना भी बारिश का पानी आया सब लॉस में चला गया उससे रन ऑफ जनरेट नहीं होगा तो इस वाले इंटेंसिटी से भी रन ऑफ जनरेट नहीं होगा तो किस वाले से रन ऑफ जनरेट हो रहा है इस वाले से और इस वाले से ठीक है तो ये जो लेवल है जिससे तुम्हारा रन ऑफ जनरेट होगा दैट इज कॉल्ड द फाइ इंडेक्स ओके तो तुमको यही फाइ इंडेक्स निकालने के लिए बोला गया है ठीक है अब देखो क्या करोगे तुम लोग पहले फाइ इंडेक्स निकाल लो फाइ इंडेक्स का फॉर्मूला क्या था प्रेसिपिटेशन पी आई माइनस रन ऑफ हम लोग कर सकते हैं आर आई बाई टी ठीक है ये कर सकते थे हम लोग देखो ये रिलेशन क्या है रन ऑफ इज व्हाट इंटेंसिटी मतलब प्रेसिपिटेशन माइनस फाइ इंडेक्स सो फाइ इंडेक्स इज नथिंग बट व्हाट तुम्हारा प्रेसिपिटेशन टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस रन ऑफ का एरिया विल गिव यू द फाइ इंडेक्स राइट तो सबको सम कर दो तो करके कितना आ रहा कैलकुलेट करो फाइ इंडेक्स तो तुम्हारा फर्स्ट में कितना है व्हाट इज द इंटेंसिटी फर्स्ट में है तुम्हारा P1 is 7, P2 is 18, P3 is 25, P3 ऐसा ऐसा है ठीक है अब बोला गया है रन ऑफ कितना आवर का तुम्हारा रेन स्टॉर्म है 6 आवर्स का ठीक है सो व्हाट इज द रन ऑफ टोटल रन ऑफ है तुम्हारा 39 ठीक है 39 mm टोटल रन ऑफ इज योर 39 मिलीमीटर ठीक है नाउ कैलकुलेट व्हाट इज द टोटल प्रेसिपिटेशन निकालो या हम इसको लिख सकते थे टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल रन ऑफ बाय ड्यूरेशन ऑफ स्टॉर्म ये भी कर सकते थे ठीक है तो टोटल रन ऑफ निकल आया नाउ कैलकुलेट टोटल प्रेसिपिटेशन कितना होगा बोलो तो 6 घंटे में इस रेट में आया था फर्स्ट आवर में इतना नेक्स्ट आवर में इतना तो लास्ट के 6 घंटे में इतना आ रहा है सो व्हाट इज द टोटल प्रेसिपिटेशन देन मतलब एक एक घंटे में इतना एमएम का बारिश हो रहा है तो टोटल 6 आवर में कितना प्रेसिपिटेशन होगा टोटल Am I audible?
यस मैम यस मैम टोटल 6 घंटे में कितना बारिश आ रहा है, कितने एमएम का बारिश होगा? पहले घंटे में, एक घंटे में 7 एमएम आया, टोटल जोक कर दो। यस टोटल सम, तो टोटल सम करके कितना आ रहा है? सात प्लस 18 प्लस 25 प्लस 17 प्लस 11 प्लस 3 81 राइट। तो टोटल प्रेसिपिटेशन आ रहा है कितना? हेलो मैम सुनता हूँ अच्छी ना। কত এসেছে বলো? ইনফিল্ট্রেশন লস, ইনফিল্ট্রেশন লস কত এসেছে? 42 আসছে। সামেশনটা হলো তারপর 41-39 42 आएगा, ठीक है? So that is your infiltration loss in 6 hours. मतलब 6 घंटे में इतना बारिश आया, 6 घंटे में जितना भी बारिश हुआ after loss, तुम्हारा run off कितना create हुआ? इतना 39 mm, ठीक है? तो 6 घंटे में कितना loss हुआ? 42 mm loss हुआ है. So एक घंटे में कितना loss होगा फिर? So obviously infiltration our phi index will be your 42/6, okay, which is what? 7. So 7 mm per hour is the phi index. Clear? Yes ma'am. ठीक है. अब बोलते हैं ये क्या तुम्हारा सही है? फाइंडेक्स 7 एमएम ही होगा? आई तो मन अच्छे मैम टाइम मन अच्छे बोल मन होते बारे क्या निजे ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं তাহলে আমরা রান অফটা কখন কনসিডার করেছি? আমরা রান অফটা কনসিডার, উই হ্যাভ কনসিডার ইট ফর হোল 6 আওয়ার্স, মতলব 6 আওয়ার্স পে টোটাল রান অফ ইয়ে ওয়ালা কনসিডার হাম লোগো নে কিয়া থা, রাইট? রাইট, তো কি 6 আওয়ার্স পে তোমারা রান অফ জেনারেট হো রাহা হ্যায়? দেখো পহলে 7 এমএম থা, বারিশ আ রাহা 7 এমএম, ঠিক হ্যায়? হাম লোগো কা ফাই ইন্ডেক্স ভি 7 হ্যায়, মতলব 7 উপর সে বারিশ আ রাহা এমএম और 7 mm नीचे चला जा रहा इन्फिल्ट्रेट होके, तो रन ऑफ जनरेट होगा ना मैम? ना, तो दैट हम लोग का वो अजम्पशन गलत है, मतलब इसमें तो रन ऑफ जनरेट ही नहीं हुआ, मतलब ये आवर में तो जनरेट ही नहीं होगा, राइट? तो हमको ये वाला प्रेसिपिटेशन कंसीडर ही नहीं करना पड़ेगा। देखो ये तो स्पाई इंडेक्स इज ग्रेटर देन फर्स्ट केस, ठीक है? सो वी कैन नॉट कंसीडर दिस प्रेसिपिटेशन, मतलब ये टोटल प्रेसिपिटेशन में जो कैलकुलेट किए थे तब ये आएगा ही नहीं, ठीक है? सेकंड केस में आएगा कि नहीं आएगा? व्हाइल कैलकुलेटिंग प्रेसिपिटेशन
आएगा क्योंकि 18 mm ऊपर से आ रहा है, 7 mm नीचे जा रहा है, तो रनऑफ जनरेट होगा, मतलब इट इज कंट्रीब्यूटिंग टू द रनऑफ. ओके, 39 के अंदर सेकेंड वाले से रनऑफ आ रहा है, सो वी कैन कंसिडर दिस. ये वाला भी कंसिडर होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, क्योंकि ऑल दिस प्रेसिपिटेशन आर ग्रेटर देन द फाई इंडेक्स 7 जो हम लोगों ने डिराइव किया. ठीक है, लेकिन थर्ड में क्या हो रहा है, देखो सॉरी सिक्स आवर में अगेन इट इज लेस देन फाई इंडेक्स, तो ये वाला प्रेसिपिटेशन वी विल नॉट कंसिडर फॉर कैलकुलेटिंग आवर टोटल प्रेसिपिटेशन, क्योंकि दिस प्रेसिपिटेशन इज मच मच लेसर देन द फाई इंडेक्स. मतलब जितना बारिश होगा वो लॉस, पूरा का पूरा ही लॉस होगा, रन ऑफ जेनरेट ही नहीं होगा. सो हमको फिर से फाई इंडेक्स कैलकुलेट करना है. अब तुम्हारा रन ऑफ 39 ही है, लेकिन टोटल प्रेसिपिटेशन कितना होगा, अब बोलो टोटल प्रेसिपिटेशन कितना होगा. We have to add in the first step. We have added all this precipitation, but second trial में क्या करेंगे? We have to add this, this, this and this only. ठीक है? तो यहाँ पे आ जाएगा क्या तुम्हारा 18 plus 25 plus 17 plus 11 कितना आ रहा है? 18 plus 25 की बार बार चले जाते हैं फिर. 18 plus 25 plus 17 plus 11, 71. अब यहाँ पे आएगा तुम्हारा, this will be your now 71. ठीक है? अब फिर से infiltration loss निकालो, कितना आएगा? Infiltration loss will be 71 minus R, मतलब minus runoff, 32 आएगा. ठीक है? So this will be your 32. अब 32 divided by 6 करो. Sorry, divided by 6 होगा? 4, yes, क्योंकि 4 precipitation ही हम लोगों ने consider किया था, तो divided by 4 कितना आएगा, 8 आएगा ना, तो ये correct answer is your 8, clear, clear, yes ma'am. तो देखो इसमें तुम्हारा 2 marks आ गया, ये वाला type का problem बहुत बार आएगा, तुम लोग देख लेना है, ठीक है, I will show you, देखो इधर बहुत सारा problem है, 5 index का, यूनिट हाइड्रोग्राफ का भी है, ठीक है, ये जो ये वाला सेम आ गया फिर से, ये जो सेम, ठीक है, देखो ये सेम टाइप का प्रॉब्लम. तो फर्स्ट से जो भी आएगा, इफ दैट फाई इंडेक्स, मतलब टोटल करके जो भी आएगा, इफ दैट फाई इंडेक्स, ठीक है, मतलब प्रेसिपिटेशन से ज्यादा है तो ठीक है, दैट विल बी योर करेक्ट आंसर. आई मीन प्रेसिपिटेशन फाइव इंडेक्स से ज्यादा है तो ओके, बट यू हैव टू चेक कि कौन कौन सा प्रेसिपिटेशन तुम्हारा फाइव इंडेक्स से कम है, उसको निकाल देना है, देन वी विल कंसिडर अदर प्रेसिपिटेशन फॉर कैलकुलेटिंग रिकैलकुलेटिंग. ओके, तो प्लीज सॉल्व दिस ऑल्सो करके देख लेना तुम लोग, ठीक है. हाँ, और एक ऐसा वाला आता है हाइड्रोग्राफ से, ये वाला टाइप का आता है, जैसे कैचमेंट एरिया ऑफ 90 हेक्टर्स हैज अ रन, अच्छा ये वाला छोड़ो, ये वाला फॉर्मूला नहीं है, कहाँ पे गया, सेम ये भी वही है, ठीक है, फाइन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए बोला है, सेम इंटेंसिटी दे दिया है, रन ऑफ दे दिया है, प्रेसिपिटेशन भी दे दिया है, यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, प्रेसिपिटेशन दे दिया है. तो पहले फर्स्ट स्टेप में दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 7 करके जो भी आएगा, वी हैव टू चेक विद दिस, किस किस का प्रेसिपिटेशन ज्यादा है फाइन इंडेक्स से, तो वही लेकर फिर से रिकैलकुलेट करेंगे. देखो ये भी सेम, ठीक है, आइसोहाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम, इफ यू नो द फॉर्मूला सिंपली तुम लोग कर सकते हो, आइसोहाइट का फॉर्मूला पुट करके, ठीक है. ये देखो ये वाला है, रेनफॉल एक्सेस निकालने के लिए बोला गया है, तो फर्स्ट कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द रन ऑफ डिवाइडेड बाय द कैचमेंट एरिया will give you the rainfall excess. The volume of the runoff क्या होता है? Area under this DRH will give you the volume of the runoff. Okay, ये क्या है? Direct runoff hydrograph है ना? So इसके अंदर में जो भी area है, तो ये क्या है? ये rectangle triangle area है. This is trapezoidal area. Again, this is trapezoidal, trapezoidal, triangle. सबको sum कर दो. जो भी आएगा area, that will give you the runoff.
okay, that will give you the runoff in meter cube. So meter cube कितना volume of runoff हो रहा है वो हमको पता है, कितना area में हो रहा है वो हमको पता है. So simply we can calculate depth, मतलब rainfall excess depth कितना निकलेगा, runoff by catchment area. Okay, ठीक है, आज के लिए इतने कहते हैं. Please try to solve these problems, okay? So, बाकी का problem solve करने का कोशिश करो. Okay. ठीक है, थैंक यू. थैंक यू मैम. আর যদি এমসিকিউস গুলো সলভ করে ডাউট থাকলে আমাকে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? ওকে. মানে প্রিভিয়াস ইয়ারের আমি কোশ্চেন অলরেডি দিয়ে দিয়েছি, প্রিভিয়াস ইয়ার কোশ্চেন গুলো অলরেডি তোমাদের ওখানে আছে কিনা, গুগল ক্লাসরুমে আছে.